आओ जी आओ घूमरड़ी खेल पान पधारो सा घूमरड़ी खेल पान अलम थारो गुरा रा गुरा रा गुरा नाल आस मारो जीवड़ो घड़ो हिचकावे ओ घबरावे मन में भावे मारो बाजलो भवन मन भावे चमक चम बाजे बायल बाजे बाई सके चमक चमक घुगरा बाजे आओ सा घूमरड़ी खेल पान आओ सा घूमरड़ी खेल पान ये देखो मेरी ज्वेलरी, ये देखो मेरा स्टाइल, ये देखो मेरा कलेक्शन, क्यों आ गया ना लालच। अब वैम बनने का तो यही फायदा है ना, स्टाइल और ज्वेलरी के मामले में ये सब को पीछे छोड़ देती हैं। और पिया अलबेला की नीलिमा यानी पारुल का स्टाइल और इनकी ज्वेलरी भी कुछ ऐसी ही जबरदस्त है। स्क्रीन पर ये पूजा की जिंदगी में जहर घोलती है, नरेंद्र को दिन रात परेशान करती है और व्यास परिवार को हिला देती है, लेकिन जब स्टाइल की बात आती है तो सबसे ऊपर होती है। तो चलिए नीलिमा के मेकअप रूम में और देखते हैं कि इनके ज्वेलरी पिटारे में क्या क्या है। हाय, मैं हूँ नीलिमा, आप तो मुझे देखते ही हैं पिया अलबेला में, हमेशा सब लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं जो ज्वेलरी मैं पहनती हूँ। तो आज मैंने सोचा कि सास बहू बेटियों के साथ क्यों ना एक ज्वेलरी सेगमेंट किया जाए और मेरी इंटरेस्टिंग ज्वेलरी आप सबको दिखाई जाए। ऐसे ये टॉप सीक्रेट है, पर ठीक है, आज आपको रिवील कर ही देते हैं। मेरी डिज़ाइनर और मेरी ट्यूनिंग बहुत अच्छी है और हम पर्सनली हर एक पीस को चूज़ करते हैं। तो आज जो मैंने पहना है ये ऑफकोर्स मेरा चॉइस है और बिकॉज इट इज़ प्लेन ऑक्सीडाइज सिल्वर एंड इट वॉज गोइंग वेरी वेल विद द वाइट आउटफिट, तो हमें लगा कि और ये झुमकीज भी बहुत ही प्रिटी है, देखिए तो इट्स इंटरेस्टिंग। एंड जैसा कि ये मैंने हाथ में पहना हुआ है, सो इट्स सिंपल येट इट्स डिफरेंट। तो फिर हम ऐसे ही एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं और आप देख ही सकते हैं कुछ सैम्पल्स हाउ ब्यूटिफुल दे आर। वन ऑफ माई फेवरेट पीसेज है, देखिए ये कितना सुंदर है, कैन यू सी। और इसको आप दोनों कलर कॉम्बिनेशन के साथ भी पहन सकते हैं क्योंकि इसमें गोल्ड और सिल्वर दोनों है। इंडो वेस्टर्न, आप इसको इंडियन के साथ भी पहन सकते हैं, वेस्टर्न के साथ भी पहन सकते हैं। मेरा दूसरा फेवरेट पीस है ये, आई थिंक जब मैंने ये शो में पहना था मुझे इतने कॉम्प्लीमेंट्स मिले थे। ये देखिए हाउ प्रिटी दिस इज, प्योर एथनिक एंड सो प्रिटी। तो जैसा आप देख सकते हैं इट हैज़ अ ह्यूज लॉकेट। लॉकेट यूजली छोटे छोटे होते हैं, बहुत टाइनी होते हैं, बट इसका लॉकेट देखिए कितना प्यारा है, इट्स ह्यूज एंड इट्स ब्यूटिफुल। और इस पर प्यारा सा मीनाकारी का काम है और ऊपर ये एथनिक सी लेस है जिसमें कलर्स भी हैं, तो इसको आप कलर्स के साथ भी वो कर सकते हैं, जैसे अगर मैंने पर्पल या ग्रीन पहना या फिर सिंपल वाइट के साथ, देखिए कितना एलिगेंट लगता है। इंटरनेट पर देख देख के डाउनलोड करती हूँ, फिर उसको रेफरेंसेस भेजती हूँ कि मुझे ऐसा चाहिए। तो एक्चुअली दिस वॉज मतलब एक्चुअली वेरी क्लोज टू, मैंने जो उससे रिक्वेस्ट भेजी थी बिल्कुल ऑलमोस्ट उसने ऐसा ही पीस भेज दिया। ये देखिए ये हमारे दो बड़े प्यारे हैं, इन पे गणपति जी का मोटिफ है दोनों पर। ये तो अभी तक मैंने पहना ही नहीं है, तो ये कभी मैं अभी जल्दी से पहनूंगी इसको। ये देखिए इज़न्ट दैट प्रिटी, और ये देखिए, और कभी कभी मैं इसको पूरा ऊपर करके पहन लेती हूँ, कभी कभी मैं इसको इस तरह भी पहन लेती हूँ। ये देखिए, है ना सुंदर। और ये हमारे बाकी दो पीसेस हैं, ये भी बहुत सुंदर हैं। आप देख रहे हैं ज्यादातर गोल्ड और सिल्वर का कॉम्बिनेशन है क्योंकि फिर हम इसको किसी भी आउटफिट के साथ पहन सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट नहीं होता गोल्ड और सिल्वर जब दोनों में आ जाता है। देखिए ये भी कितना सुंदर है, वेरी इंटरेस्टिंग पीस। आई थॉट व्हेन आई सॉ इट, आई थॉट इट वाज सो इंटरेस्टिंग। एक तरफ कुछ अलग ही डिज़ाइन है और दूसरी तरफ कुछ अलग ही है, मतलब सिमेट्री नहीं है डिज़ाइन में, बट येट इट लुक्स सो प्रिटी। और ये देखिए वन ऑफ माई
another favorite jewelry piece. How huge it is. And ये ऐसे छन 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 आवाज़ करता है जब मैं इसे पहनती हूँ. और ये देखिए ये पहन के कितना सुंदर लग रहा है. तीन लड़ियाँ हैं और तीन लड़ियों में ये कॉइन्स जैसा डिज़ाइन है और प्लस कलर्स भी हैं. हाउ ब्यूटीफुल है ना. जरा एक नजर नीलिमा के इन खूबसूरत बैंगल कलेक्शन यानी कि चूड़ियों पर भी डाल लीजिए जो है बेहद खास और एक्सक्लूसिव. करेक्ट. ये तो थोड़ा रेगुलर है जो हम यूजुअली कभी कोई वैसा ओकेजन आता है शादी टाइप या हम जब साड़ियां पहन रहे होते हैं. ये देखिए हाउ ब्यूटीफुल दीज आर. Well, I think this is grand. मतलब I think इसका एक ही word हो सकता है. This is royal, this is grand. And it's so beautiful ना. कभी कभी लगता है कि we are so lucky to be Indians ना, wearing such beautiful jewelry. नीलिमा यानी पारुल के neck pieces के collection देखकर तो सचमुच हर लड़की और हर औरत के मुंह में पानी आ जाएगा. लेकिन इनके earrings भी कम नहीं. हर लड़की beautiful कर गई चुल. साड़ी के साथ भी पहनती हूँ ये. मैं वेस्टर्न्स के साथ भी पहनती हूँ और ये ऑफकोर्स हम जब ये वाली ज्वेलरी पहनते हैं तो उसके साथ भी पहनती हूँ. सो मल्टीपर्पज. नीलिमा पिया अल्बेला में वैम्प का रोल करती हैं इसलिए इनकी उंगलियों में आमतौर पर बड़े बड़े रिंग्स होते हैं. और इन रिंग्स के साथ जरा इनका वैम्प वाला एक्सप्रेशन तो देखिए. एक्चुअली आप ठीक कह रहे हैं. इतने सारे एक चूज करना बहुत मुश्किल है. आई थिंक ये बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है. पर एक पिकअप करना आई थिंक वुड बी दिस पेन. आई थिंक ये मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट पीस है. स्टाइल और ज्वेलरी के मामले में नीलिमा शिल्पा शेट्टी दीपिका पादुकोण और टेलीविजन एक्टर अचिंत कौर से काफी इंस्पायर्ड हैं. स्टाइल कम्बाइंड और ज्वेलरी आई थिंक अचिंत कौर इज माई फेवरेट. वो बहुत ही स्टाइलिश कपड़े पहनती हैं और बहुत ही अमेजिंग ज्वेलरी उसके साथ क्लब करती हैं. जहाँ भी उनको देखो चाहे उन्हें एक टेलीविजन शो पर देखो या किसी भी इवेंट पर देखो. आई थिंक शी इज़ वन ऑफ माय पर्सनल फेवरेट्स. और बॉलीवुड की बात करें तो बॉलीवुड में मेरी स्टाइल आइकॉन दीपिका पादुकोण एंड आई थिंक शिल्पा शेट्टी टू. वैसे नीलिमा यानी पारुल की पर्सनल फेवरेट ज्वेलरी भी कुछ कुछ उनके ऑन स्क्रीन कलेक्शन से मिलती है. मुझे मोस्टली जंग ज्वेलरी पसंद आती है. आई एम नॉट रियली इन टू प्रेशियस ज्वेलरी. तो मतलब यूजली जो मेरी पर्सनल ज्वेलरी भी है वो ऑफ द रोड से पिकअप की हुई है. मतलब इट्स ऑल स्ट्रीट शॉपिंग. और यू नो आई हैव चोकर्स, आई हैव लॉन्ग पीसेस, आई हैव ऐसी मल्टी चेन के पीसेस. बहुत सारी ज्वेलरी है मेरे पास. तो आप मुझे प्लीज़ बताइएगा कि आपको मेरा ये ज्वेलरी सेगमेंट कैसा लगा और खूब सारी फीडबैक दीजिएगा. एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. थैंक यू. नचांगे सारी रात सोनियोंदे कर लो थोड़ा सा प्यार सोनियोंदे कर लो थोड़ा सा प्यार. अनुपमा राय मुंबई आज तक.